नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की देश भर की कुछ खास खबरों से। पीलीभीत पूरमपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला करीमगंज की रहने वाली शहनीला बेगम का आरोप है कि उनकी शादी शेरपुर कला के रहने वाले अमजाद हुसैन के साथ 5 दिसंबर 2016 को हुई थी और उनके परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, पर महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली और महिला को घर से निकाल दिया। जब महिला की मां को जानकारी मिली तो वह अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुंची। उक्त आरोपी दामाद ने अपनी सास की भी पिटाई कर दी। पीड़ित महिला व उसकी पुत्री ने पीलीभीत पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, तब पुलिस अधीक्षक ने पूरनपुर कोतवाली में जाने को कहा। वहीं महिला आज जब अपनी पुत्री के साथ कोतवाली में पहुंची तो पुलिस ने महिला की तहरीर पढ़े बगैर ही कोई भी कार्यवाही करने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने घर जाओ, आपकी शरीयत में तो 7 शादियां की जाती हैं। जिसके चलते महिला की मां फूट फूट कर कोतवाली में रोने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरनपुर से मोइन खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शहनीला बेगम। शहनीला बेगम कहाँ रहती हो? करीमगंज में रहा है। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। मेरे पड़िया की शादी हुई, मेरे घर वालों ने करी, फिर मारा पीटा, बहुत मारा पीटा, फिर एक बार रिपोर्ट लिखा, फिर हमने वापिस चले गए, फिर लिखाई हमने, फिर हमने मारा पीटा, 3 साल से जेल चल लिया। उसने कुछ नहीं हुआ, अब उसने दूसरी शादी कर ली, हम घर पर गए तो उसने हमें मारा। हमारी अच्छी किसने, क्या नाम है आपके पति का? और पति का नाम अमजद हुसैन है। अमजद हुसैन है। तो आप लोग क्या चाहती हो? हम चाह रहे कि हमारा सब सामान, हमारे बच्चे का सामान वामान तो दे थोड़ा बहुत, जो हम अपनी जिंदगी बसर कर आगे चल के, अमरनाथ अपने आप से, हम इसका फतेहगढ़ देख के आए, फतेहगढ़ आराम से रह रही है, दूसरी शादी कर ली। अभी कितने लोगों ने मारपीट की आपके साथ? मेरे सास है, नंदे है, कई मोई था और उसकी बहनी तो शादी शुदा उसने, सदुर ने, साथ में सबने मार के बाहर निकाल। इसकी शिकायत आपने कहाँ करी है? हम तो अगर ये ना चाहिए तो हमारी रिपोर्ट तक ना पड़े, फिर हम कल गए पीलीभीत की कप्तान साहब की यहाँ। उससे कहीं तुम जाओ थाने में तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। थाने में आपने किसी से बात करी कुछ? थाने में हम उनसे करी थी। वो है क्या कह रहे हैं साहब? बड़े साहब कह रहे नहीं है, पढ़ी भी नहीं कहीं नहीं, वो तो ऐसा मुसलमानों में चलता है तो दूसरी शादी कर लेने, दो दो तीन दिन जाते हैं। दूसरी शादी करने मतलब ये थोड़ी न्याय ना मिले? यही कही है, हम लोग परेशान, हमारा बच्चा भी छोटा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।